सीधे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी की अभी अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। 1000 करोड़ था, इसको हम बढ़ा के 40,000 डबल कर दिया, तो ये परिस्थिति में भी पूरा रुपया हमारा छीन के ले आता है तो गवर्नमेंट कैसे चलेगा, गरीब का काम कैसे होगा, रास्ता घाट कैसे होगा, फूट कैसे होगा, 100 दिन का काम कैसे होगा, इसका बारे में हम लोग वेब कर देने के लिए कर्जा को हम लोगों ने डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया। जो चर्चा हुआ है, चर्चा का बाद में प्राइम मिनिस्टर जो कहा है वो कहा है कि ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल को कर्जा सबसे ज़्यादा है देश में, सबसे अधिक है, लेकिन तब भी एक बात है, इसका ये परिस्थिति में भी आप लोगों ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया है फाइनेंस को, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, और आप लोगों को फाइनेंस की परिस्थिति भी आप लोगों ने बहुत बदल किया है, आने वाला दिन भी आप लोगों ने बहुत सुधराएंगे जैसे आप लोग चल रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा भी ऊपर बहुत सारे देश का कर्जा है, जैसे इंटरेस्ट का कर्जा है बहुत सारे स्टेट के लिए, तो हम कोशिश करेंगे मिलजुल के अगर कोई हल निकाल सकता है, हम देखते हैं हम कैसे आपको मदद कर सकता है, हम इसको बारे में चर्चा किया है। और दूसरी बात है ये कि 100 दिन का काम के लिए भी हमारा रुपया पाना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा फूड प्रोक्योरमेंट के भी रुपया पाना है, हमारा ICDS प्रोजेक्ट के लिए भी रुपया पाना है, सब पेंडेंसी है टेंडेंसी है, तो इसी के लिए उसको बारे में भी हम लोग कहा है कि देखो 100 दिन का काम के लिए रुपया बंद हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, चाहे 100 दिन का काम हो, चाहे फूड पॉस सिक्योरिटी हो, चाहे हमारा ICDS प्रोजेक्ट हो, तो ये लोगों को इसका बारे में भी हम लोगों ने बातचीत किया। रेलवे प्रोजेक्ट का बारे में भी हम लोगों ने कहा कि हमारा मेट्रो रेलवे का बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बंद होकर पड़ा है, तो इसका बारे में भी चर्चा किया है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना है और उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि बंगाल का परफॉर्मेंस में हम खुश है, हम कोशिश करेंगे, हम जितना भी मदद कर सकते हैं, यही बातचीत हुआ है, मैं आपको बताया। थैंक यू सो मच।